तो दोस्तों यहाँ पे कॉफीजा की तरफ से हमें एक प्रोडक्ट मिला है जिसका नाम है फिनेरो नेक्स्ट कॉफी मशीन। तो दोस्तों कंपनी की तरफ से आपको ये एक्चुअल बॉक्स मिलता है, उसके साथ आपको 6 अलग अलग प्रकार के जो है कॉफीज मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर के कॉफीज मिलते हैं। आपके हिसाब से, आपके मूड के हिसाब से, आपके फ्लेवर के हिसाब से ये कॉफीज आप यूज कर सकते हो। वो कैसे यूज करने वो भी हम दिखाई दे। इस हर एक बॉक्स में आपको 10-10 कैप्सूल्स मिलते हैं, ऐसे करके आपको 60 कैप्सूल्स यहाँ पे फ्री में मिलते हैं जब आप ये मशीन जो है परचेस करते हो। तो ये थोड़ा सा साइड में रखते हैं यहाँ पे और एक्चुअल बॉक्स के बारे में देखना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये जो है आपको कुछ इस तरीके से ये कंप्लीट बॉक्स दिखाई देगा, ये ग्रीन कलर में, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी गई है कि आप किस तरीके से इस मशीन को यूज कर सकते हो, क्या क्या चीजें आप इस मशीन के साथ कर सकते हो। तो वो सारी चीजें जो है बाद में हम अनबॉक्सिंग करते वक्त देख ही लेंगे। तो जल्दी से बॉक्स खोलते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे आपको एक यूजर मैनुअल एंड स्मार्ट गाइड भी मिलता है जो कि आपको अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये लैपटॉप एंड मोबाइल की तरह नहीं है कि डायरेक्टली निकाला और उसको यूज किया। तो थोड़ा सा आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी कि आप क्या क्या चीजें किस तरीके से कर सकते हो, क्लीनिंग वगैरह वो सारी चीजें कैसे कर सकते हो। तो ये तो मैं आपको सारी चीजें बता ही दूंगा, तो सिर्फ आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। और यहाँ पे ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, कुछ इस तरीके से आपको ये कंप्लीट बॉक्स दिखाई देगा। तो ये जो प्रोडक्ट है आपको कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा और इसकी ओवरऑल पैकेजिंग आपको इस तरीके से मिलेगी। तो थोड़ा सा ये जो है सारी चीज़ें साइड में रख देते तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा एक्चुअल मशीन। और इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अवेलेबल है, ये व्हाइट कलर में, ब्लैक कलर आपको मिलता है, ग्रीन कलर शायद से, ग्रे कलर आपको मिलता है। तो बहुत सारे कलर है, आपके हिसाब से जो है आप कलर यहाँ पे चूज कर सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पे असेंबल करना पड़ता है तो मैं आपको असेंबल करके दिखाता हूँ, और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे टर्म जो है वो समझाना चाहता हूँ। तो अभी तो पहले इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं, मटेरियल के बारे में बात करते हैं। पूरा का पूरा जो है ये फाइबर से बनाया गया है और मुझे तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी लगी है, लेकिन इसको अच्छी तरीके से आपको यूज़ करना है। ऊपर से एक बार गिरा तो ये फूट जाएगा, लेकिन अच्छे से यूज़ करोगे तो आपको काफ़ी साल ये हेल्प करेगा, तो इसको सिर्फ ध्यान में रखिए। अभी थोड़ा सा इसके सारे पार्ट्स के बारे में इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, क्या क्या किस पार्ट को क्या क्या बोलते हैं वो समझ लेते हैं। ये जो आपको ये ग्लास का दिखाई दे रहा है ये एक वाटर टैंक है, इसमें आप वाटर जो है पूरा फिल कर सकते हो आपके हिसाब से, आपको जितनी कॉफ़ी चाहिए वगैरह उस हिसाब से। तो ये ऊपर की लीड आपको खोलनी है, यहाँ पे सिर्फ वाटर पोर करना है बस, और इसको भी आप निकाल सकते हो, ये वॉशेबल है, मतलब जब भी आप यूज़ करोगे आप इसको वॉश कर सकते हो अच्छे तरीके से। ऊपर आपको यहाँ पे दो जो है बटन दिखाई दे रहे हो, एक जो बटन है वो एस्प्रेसो का बटन है, दूसरा जो है वो लुंगो का बटन है, मतलब कौन सा भी अगर बटन दबाओगे तो उस हिसाब से जो है कॉफ़ी आपको मिलेगी, लार्ज कप कॉफ़ी या फिर स्मॉल कप कॉफी, तो उस तरीके से। ये जो है एक लीवर है जो आपको कैप्सूल्स मिले फ्री में, 60 कैप्सूल्स मिले, उसमें से कोई भी कैप्सूल आप जैसे भी आपको आपको जो भी फ्लेवर होगा वो कैप्सूल आपको सिर्फ यहाँ पे इंसर्ट करना है, इसको क्लोज करना है, उस हिसाब से जो है कॉफी यहाँ से बाहर आ जाएगी। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा नोजल आपको दिखाई देगा, यहाँ से जो है कॉफी एक्सट्रैक्ट होने के बाद बाहर गिरती है। और ये जो है इसको बोलते हैं ड्रिप ट्रे, तो जो भी आपका कॉफ़ी का मग है या फिर कप है तो सिर्फ आपको इसके ऊपर रेस्ट कर सकते हो, तो ये एक एज अ रेस्टिंग पार्ट होता है। और अगर आप इसको इस तरीके से बाहर निकालोगे तो इसको बोलते हैं कैप्सूल कंटेनर, तो जो भी कैप्सूल के रिमेनिंग्स होते हैं डायरेक्टली वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो एक बार ही आप सारे के सारे कैप्सूल जो भी जितने भी आपने यूज़ किए डायरेक्टली फेंक सकते हो, हर वक्त कैप्सूल निकाल के आपको फेंकने की कोई भी वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो कुछ इस तरीके से कंप्लीट ये पार्ट्स थे, और उसके साथ ये जो है आपको एक मेन पावर केबल मिलते हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्ट करके आप इसको पूरा यूज कर सकते हो। और एक चीज काफी बढ़िया लगी इस मशीन के बारे में कि बहुत ही सॉर्टेड है, सिंपल मशीन है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कोई भी एक नॉर्मल पर्सन है वो भी इसको आसानी से यूज कर सकता है, तो ये काफी अच्छी चीज लगी मुझे। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा इसको यूज करके देखते हैं किस तरीके से वर्क होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा कप हमने रखा है, और ये जो आपको वाटर टैंक दिखाई दे रहा होगा वो थोड़ा सा हमने फिल करके रखा है वाटर से। तो यहाँ पे दो आपको लेवल्स मिलते हैं, एक तो मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल पे हमने ऑन करके रखा है। तो एक बार जब ऑन करते हो तो ऊपर के जो LEDs है, मतलब बटन के
ऊपर के जो LEDs है वो एक बार ब्लिंक करते हैं, और जब आप एक बार इसको प्रेस करते हो ये वार्म अप होना स्टार्ट हो जाता है। 35 सेकंड में जो है ये वाटर हीट हो जाता है, वार्म अप हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये बॉक्स खोल के देखते हैं, और ये जो है कैप्सूल्स आपको कुछ इस तरीके से एक एक छोटे छोटे कैप्सूल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो क्या आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ ये जो है ऊपर का लीवर खोलना है, और ये कैप्सूल जो है इस तरीके से आपको सिर्फ यहाँ पे प्लेस करना है। और एक बार आपने कैप्सूल प्लेस कर दिया, सिर्फ इस लीवर को आपको क्लोज करना है, और जैसे ऊपर के LEDs जो ब्लिंक हो रहे हैं वो एक बार कंटिन्यूसली ग्लो कर रहे होंगे, तो आपको इधर कौन सा भी जो है बटन आपको यहाँ पे प्रेस करना है, जो कॉपी जो है वो यहाँ पे नीचे गिरती हुई आपको दिखाई देगी। सिर्फ आपको कौन सा भी जो भी आपको बटन चाहिए आपको एक बटन यहाँ पे दबाना है, और देख सकते हो मशीन स्टार्ट हो चुका है अभी आप देख रहे होंगे। तो इस तरीके से जो है आपको कॉफी मिलते है, जो एस्प्रेसो चाहिए या फिर लूंगो चाहिए आपके हिसाब से। यहाँ पे माय गॉड, यहाँ पे जो अरोमा है ना आपको एक सेकंड में ऐसा लग जाएगा कि भाई स्टारबक्स से जाके आए हो, इतना खतरनाक इसका अरोमा है। एक बार आप इसको सूंघोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं अगर आपको ये कन्वे कर सकता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और आप देख सकते हो ये कम्प्लीटली एक ब्रूड कॉफ़ी है, और काफ़ी बढ़िया, पी के देखते हैं किस तरीके से लगती है। तो यहाँ पे हमारी जो है ब्लैक कॉफ़ी रेडी है, तो आप देख सकते हो कितना बेहतरीन लगता है। ऊपर आपको छोटा सा यहाँ पे फोम दिखाई देगा, नीचे पूरी जो है ब्लैक कॉफ़ी की लेयर आपको दिखाई देते है, और काफ़ी दिखने में बढ़िया लगता है। तो मैं एक बार टेस्ट करके देखता हूँ किस तरीके से लगती है। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि मैं बहुत बार यूज़ करता हूँ ब्लैक कॉफ़ी, जिम में जाता हूँ तो थोड़ा सा कैफीन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके वजह से ब्लैक कॉफ़ी पीनी पड़ती है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा आदत है, और अगर आप चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा दूध या फिर शक्कर वगैरह ऐड करके आपकी जो नॉर्मल कॉफ़ी है वो भी आप बना सकते हो। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, आपको विद इन सेकेंड्स में आपको एक अच्छी ब्रूड कॉफ़ी मिलती है। आपको कहीं पे भी स्टारबक्स में या फिर किसी भी रेस्टोरेंट में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे यहाँ पे कॉफ़ी बना सकते हो। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ की गई है कॉफ़ी जाने। तो दोस्तों जब आप इस कैप्सूल को यूज़ करते हो तो ये जो कैप्सूल्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे कैप्सूल कंटेनर में कलेक्ट होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से इसमें से वाटर जो है हाई बार प्रेशर की जो 20 बार प्रेशर का जो वाटर होता है वो डायरेक्टली यहाँ से जाता है, तो जो भी इसका एक्सट्रैक्ट होता है वो सारा का सारा आपको कॉफी में मिल जाता है। और ये आप फेंक भी सकते हो, लेकिन इसको आप रिसाइकल कर सकते हो। डायरेक्टली आप कंपनी को भेज के यहाँ पे ये जो प्लास्टिक है पूरा का पूरा कंपनी रिसाइकल कर लेते, तो ये काफ़ी इको फ्रेंडली भी है। आप डायरेक्टली उनको भेज के ये पूरा का पूरा रिसाइकल कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे कॉफ़ी जाने की है। तो कुछ इस तरीके से ये ओवरऑल मशीन था। आपको एक बेहतरीन 14-15,000 के आसपास का अगर एक कॉफ़ी मशीन चाहिए, इंस्टेंटली कॉफ़ी आपको चाहिए, अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी अगर चाहिए तो आप ये मशीन ले सकते हो। और ये जो कैप्सूल्स वगैरह आपको आते हैं ये डायरेक्टली इटली से आते हैं, तो इसका जो अरोमा है या फिर इसकी जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छी है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से ये कंप्लीट वीडियो था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। उसके साथ इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपके जो भी क्यूरीज है डायरेक्टली आप वहाँ पे हमें भेज सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली बार किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए एक्साइटिंग टॉपिक के साथ।